हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इंस्टेंट मालपुए की रेसिपी। तो दोस्तों, मालपुए में अक्सर गेहूं का आटा या मैदा ज़रूर पड़ता है, मगर आज मैंने इन मालपुओं को केवल और केवल सूजी से बनाया है और रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सूजी के मालपुए बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बारीक वाली सूजी। तो दोस्तों, आज मेरे पास थोड़ी मोटी वाली सूजी है, तो यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है और अब हम इसको डाल देंगे मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में। ये एक काफी आसान तरीका है मोटी सूजी को बारीक सूजी बनाने का। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ली है, तो इसे भी हम मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे सूजी और चीनी अच्छे से पिस गए हैं, तो इसको हम बड़े से बोल में डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घर की मलाई। तो ये मलाई जरूर डालिएगा, इससे आपके जो मालपुए हैं काफी रिच टेस्ट देंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है, तो अब हम इस बैटर को ढक करके साइड में रख देंगे 20 मिनट के लिए फूलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून मोटी सौंफ और 3 इलायची। तो इलायचियों का इस तरीके से छिलका निकाल लेंगे और अंदर के बीज इसमें डाल देंगे और फिर सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे सौंफ और इलायची पीस करके तैयार हो गए हैं और उधर हमारा बैटर भी अच्छे से फूल गया है, तो इसे हम बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम फिर से इसमें दूध मिला देंगे और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। तो आपके बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए, वरना आपके मालपुए पतले पतले नहीं बनेंगे, मोटे से बन जाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल बैटर तैयार हो चुका है, तो इसको अभी हम रख देंगे साइड में और पहले चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप चीनी ले ली है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, फ्लेम को कर देंगे हाई पे ऑन और फिर हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 केसर के धागे। तो दोस्तों, मालपुए की जो चाशनी होती है वो तार वाली नहीं होती है, हमें इस चाशनी को तब तक पकाना है जब हम इसको अपनी उंगलियों के बीच में टच करके देखें तो ये हल्की सी चिपके, मतलब शहद जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपनी चाशनी में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो उंगलियों के बीच में चिपक रही है और तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो दोस्तों, जितनी भी स्वीट डिशेस होती हैं जिसमें हमें चाशनी को एब्जॉर्ब कराना होता है, जैसे कि जलेबी, गुलाब जामुन, उन सब में हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी की चाशनी चाहिए होती है। तो अब हम इसको साइड में कर देते हैं और यहाँ पे चढ़ा देते हैं अपनी कढ़ाई। तो प्रेफर करिएगा कि जो भी पैन या कढ़ाई आप लें वो इस तरीके का चौड़ा बर्तन लें, ताकि आप एक बार में 2 से 3 मालपुए बना सकें। और अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, तो ऑयल की जगह आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम कर देंगे मीडियम गरम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लिया है और बैटर पक रहा है, तो अब हम इसमें मालपुए का बैटर डालना शुरू करेंगे और अब हम बैटर को ऑयल में हल्के हाथों से डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आपका जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होगा तो आपके जो मालपुए हैं वो एकदम पतले पतले फैल करके आएंगे। अगर ये मोटे फैल रहे हैं, मतलब ये मोटे बन रहे हैं, तो आप थोड़े से बैटर को और पतला कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मालपुए एकदम पतले पतले फैल करके आए हैं और देखने से ही सॉफ्ट लग रहे हैं। अगर इस तरीके की कंसिस्टेंसी का बैटर होगा तो आपके मालपुए जो हैं वो अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे और बाहर की जो लाइनिंग होगी वो हल्की सी क्रंची होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगता है। तो दोस्तों, मालपुए बनाते समय आपको केवल बैटर की कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है और आपके मालपुए हलवाई से भी बेहतर बन कर के आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इनके ऊपर स्प्लैश करते रहेंगे ताकि ये ऊपर से भी हल्के से सेट हो जाएं, और जब ये नीचे से हल्के से सिक जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो जब हमारे मालपुए दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम अच्छे से इस तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी है वो वापस कढ़ाई में आ जाए। और अब हम बिना देरी किए इसको चाशनी में डाल देंगे और इन मालपुओं को 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से चाशनी में डिप रहने देंगे। जब तक ये डिप होंगे उतनी देर में हमारा दूसरा मालपुओं का बैच भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे मेरे सभी मालपुए बन चुके हैं और इनको मैंने एक सर्विंग डिश में भी निकाल लिया है, तो अब हम इनको हल्का सा गार्निश कर देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ।
ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। तो अब मैं आपको एक मालपुआ काट के भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और डिलिशियस बना है। तो दोस्तों इस मालपुए की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। एंजॉय।